नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बिजनौर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज अपना 115वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर बैंक शाखा को दुल्हन की तरह सजाया गया। बैंक द्वारा स्थापना दिवस के मौके पर अनुदान इलेक्ट्रिक वाटर कूलर डूडा विभाग को वितरित किया गया है। बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह द्वारा कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से गंगा घाटों मार्गों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर वॉलंटियर्स और गोताखोरों को प्रिंटेड टी शर्ट वितरित की गई। डीएम एसएसपी ने थाना रूपशहर क्षेत्र के गाँव मलकपुर में शिव मंदिर, बवस्टरगंज गंगा घाट, अवंतिका देवी मंदिर घाट का भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस के सहयोग के लिए बनाए गए वॉलंटियर्स और गोताखोरों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु उनको प्रिंटेड टी शर्ट भी वितरित की गई है। गंगा के बढ़ते जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित को निर्देशित किया गया कि बैरिकेडिंग करते हुए गहरे जल में संकेत लगाए जाए ताकि जो भी लोग यहाँ आए उन्हें पढ़े और अपनी सुरक्षा के लिए दूर हट जाए। डीएम ने कहा कि घाटों पर प्रकाश, पेयजल, साफ सफाई, चेंजिंग रूम, शौचालय आदि व्यवस्था को भी सुनिश्चित कराया जाए। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव अरसेना में पति द्वारा पत्नी के ऊपर अत्याचार का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि मारपीट से तंग आकर महिला ने पुलिस से शिकायत की तो सास और पति ने खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीट दिया। मुकदमा दर्ज होने के 5 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी न होने से परिजनों में आक्रोश है। पीड़िता ने गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पर जाकर आत्मदाह की बात कही। जानकारी के अनुसार आगरा की रहने वाली कुसुमा देवी 38 साल की है, जिनकी शादी 17 साल पहले रुनकता कस्बे के अरसेना गांव निवासी श्याम बिहारी पुत्र गौरी शंकर से हुई थी। कुसुमा के अनुसार पति के पास खेती बाड़ी अच्छी है। पति शराब पीने का आदी है। रोजाना शराब पीकर उसके साथ मारपिटाई करता था। घर पर खाने का सामान भी नहीं रहता था। 15 साल का बच्चा और वो आए दिन भूखे रहते थे, जिसका उसने विरोध किया तो उसे तालिबानी सजा दी गई है। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद की ACJM 5 की अदालत से वारंट जारी हुआ है। कोर्ट में तारीख पर ना आने के कारण कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। 20 अगस्त 2022 को ACJM 5 की कोर्ट में पेशी होने के लिए अदालत ने अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया है। अमीषा पटेल उसके सहयोगियों पर 11 लाख रुपए लेने के बावजूद कार्यक्रम में न आने का आरोप है। 16 नवंबर 2017 को मुरादाबाद में एक शादी के कार्यक्रम में डांस करने अमीषा पटेल को आना था, लेकिन 11 लाख रुपए एडवांस लेने के बावजूद भी वो नहीं पहुंची। ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने अमीषा पटेल के खिलाफ शिकायत की थी। अमीषा पटेल पर मुरादाबाद में धारा 120B, 406, 507 और 506 IPS के तहत मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा भेजा है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा। जल शक्ति विभाग के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मुझे विभाग की बैठक में नहीं बुलाया जाता। सिंचाई और जल शक्ति में तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ है। अनिल गर्ग ने मेरा फोन काट दिया, दिनेश खटीक के कहते हुए नजर आए। अनिल गर्ग ने मंत्री और जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है। दलित होने के नाते मेरे साथ विभाग में भेदभाव होता है। नमामि गंगे तहत विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जल शक्ति विभाग की जांच किसी एजेंसी से कराई जाए। दलित समाज को अफसर सम्मान नहीं देते हैं, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा भेजा। हालांकि अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। बुलंदशहर में ऑपरेशन क्लीन के तहत समस्त पुलिसकर्मियों ने थाना चौकियों में सफाई अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के निर्देशानुसार जनपदीय पुलिस द्वारा सभी थाने चौकियों में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, अन्य स्टाफ द्वारा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए थानों के शस्त्रों, अभिलेख कार्यालयों, बारीक मलखाना, शस्त्रगार परिसर में पेड़ों के सूखे पत्ते, झाड़ियां, घास और कचरों को हटाकर साफ सफाई की गई। एसएसपी के दिशा निर्देश के अनुसार थाना चौकी परिसर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाए रखने के लिए सप्ताह के प्रत्येक रविवार को साफ सफाई करने के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा श्रमदान किया जाएगा। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में मांस मछली मंडी में कई दिन पुराना गला मांस भी बेझिझक बेचा जा रहा था। मौके पर पहुंचे पत्रकारों और पशु चिकित्सकों
ने मांस विक्रेता की नोकझोंक भी हुई। लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मांस विक्रेता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। लोगों के अनुसार मामला बढ़ता देख मीट विक्रेता ने सड़ा गला मीट मौके से गायब कर दिया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि मीट विक्रेता आए दिन इस तरह का मीट बेचता है। अन्य दुकानदारों की माने तो मीट विक्रेता उत्तर प्रदेश के रामपुर से मीट खरीद कर लाता है और बाजार में धड़ल्ले से बेचता है। यदि कोई उसे टोकता है तो उसके साथ दबंगई करता है। कई बार मामला थाने भी पहुंच चुका है, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण दुकानदार इस गोरख धंधे में लगातार लगा हुआ है। फिलहाल सैंपल ले लिए गए हैं और विक्रेता से पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, जो मामला मेरे संज्ञान में आया है, पेपर के माध्यम से आया है और मैंने आज ही पढ़ा है पेपर में कि एक व्यक्ति द्वारा मांस सड़ा गला मांस बेचा जा रहा है। अभी हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और निरीक्षण करके देखेगी कि वास्तव में ये मतलब जो सड़ा गला मांस बेच रहा है वो कहाँ से ला रहा है, किस तरह से बेच रहा है, उसका मेडिकल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों की जाँच करने के बाद हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पहाड़ों में लगातार हो रही झमाझम बारिश और निर्माणाधीन सड़क हेलंग अरोसी भेटा बरकी बासा के कारण अरोसी ग्वाणा गांव को जोड़ने वाले पैदल रास्ते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि इन दिनों गांव में ककड़ी फल सब्जियों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, जिसको ग्रामीण कंधे पर ढोकर स्थानीय बाजारों तक उपलब्ध करवाकर आजीविका कमाते हैं। निर्माणाधीन भेटा बरकी बांसा और उसी सड़क के कारण उनके पैदल रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे उनकी सब्जियां ककड़ी गाँव में ही बर्बाद होने के कगार पर है। बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालकर लोग बाजारों तक पहुंच रहे हैं। मार्ग खराब होने के कारण कभी भी घटनाएं हो सकती हैं। वर्तमान समय में अरोसी में अधूरा काम छोड़कर ठेकेदार ने काम बंद करवा दिया है। आगरा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। खेत में चारा काटने गई महिला की हत्या का मामला है। महिला से शारीरिक संबंध बनाने का लगातार दबाव बना रहा था। आरोपी महिला ने हत्यारे की पंचायत में शिकायत करने की बात कही थी। हत्यारोपी ने महिला की साड़ी से गला घोट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। थाना अश्नेरा क्षेत्र के गाँव हरदाया का एक पूरा मामला था। बिजनौर में भी मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। बिजनौर में कई दिनों से लगातार भयंकर गर्मी पड़ रही थी, बारिश के बाद मौसम में ठंडक आई है। हरदोई के अतरौली थाना इलाके में दुष्कर्म से हाथ होकर एक युवती ने फांस लगाकर खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने पुलिस को भी लगातार आरोप लगाए हैं और फिर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसपी ने एक दारोगा और दो सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया और पूरे मामले में एएसपी पूर्वी अनिल यादव को जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां महिला जिला अस्पताल में कर्मचारी गुंडे बन गए। मरीजों और तीमारदारों को जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं को भी कर्मचारियों ने जमकर पीटा। डिलीवरी करवाने आए थे परिजन और पीड़िता शहर कोतवाली क्षेत्र के महिला जिला अस्पताल की घटना। जमीनी विवाद में सपा के पूर्व जिला महासचिव पर हमला हुआ है। जिला महासचिव संजय दुबे पर जमीन के दूसरे दावेदारों ने हमला किया। संजय की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी छीनने की कोशिश की गई। सपा नेता को पीटने और रिवॉल्वर छीनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के भूल भरैयापुर गाँव का ये पूरा मामला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।